छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। जी मुझे तो लगता है हमें ये शाही दर्जी रास ही नहीं आया। अब मुझे तो ये लगता है कि तेरा खानदान हमें रास नहीं। ससुर जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूँ, जब भी तुम्हारे खानदान में से कोई आता है ना कोई मुसीबत साथ लेके आता है। अब इल्जाम तराशियों से कुछ नहीं होगा, ये सोचिए लोगों को क्या जवाब देंगे। अब यार लग रहा है मुझे कि ईद नहीं बकरीद है और कुर्बानी हम दोनों की होगी। ससुर जी आप तो एक उम्र गुजार चुके हैं, दुनिया देख चुके हैं, मासूम बच्चा तो ये इल्जाम आप अपने सर ले लें। दुनिया देखिए मैंने, अरे जब से शादी होके इस घर में आया हूँ ना मैं, पूरा मोहल्ला नहीं देखा मैंने अभी तक। जी कुछ तो करना होगा, अपनी बेटी हनी को ही देखें, वो यतीम होने के साथ साथ बेवा भी हो जाएगी। उठाओ उठाओ कौन है? हेलो अम्मा, ईद मुबारक अम्मा। क्या क्या भैया देख लिया देख लिया, मैंने तो पहले कहा था कोई नई मुसीबत आने वाली है। बकवास बंद कर, मेरी अम्मा आ रही है यार। बेगम आज ईद है तो अगर मुझे 2 घंटे की छुट्टी मिल जाए तो। क्या छुट्टी? अरे कोई काम तो ढंग से होता नहीं है आपसे, हैं? पहले वो दर्जी लाए याददाश्त का मारा हुआ कमबख्त है, और दूसरा शाही दर्जी उसे पुलिस ले गई उठाकर। वैसे काम क्या आपको, क्या मसला है, क्यों छुट्टी चाहिए? वो बेगम वो असल में बात यह है कि वो अम्मा है ना अम्मा। ओफो अब आगे भी बोले, ये क्या अखबारों की तरह हेडिंग लगा दी और बकिया फलां सफे पर। बेगम वो अम्मा ये ईद मिलने। क्या आपकी अम्मा? नहीं नहीं हरगिज नहीं, मना कर दे उनको, अरे हमारी ईद खराब करेंगी क्या। बेगम जाइए यहाँ से, मना करें। मम्मा मुझे तो टेंशन हो रही है, फिर से दादी आ रही है घर पे, फिर से वो हम सब पे कितनी सख्तियां करेंगी। तो अब्बा हाँ हनी देखो ना, मैंने कितने रहम व करम से इतने सालों तुम्हारे पापा को रखा है, और तुम्हारी दादी आके ना चंद घंटों में इतना जुल्म सितम कर देती है हम पर। अगर आप लोग बोले ना तो मेरे पास एक बेहतरीन आइडिया दादी को यहाँ से डब्बू चक्कर करने का। लड्डू तुम तो चुप ही रहो, लास्ट टाइम भी इस तरह कोई हमें आइडिया बताया था और ये खुद जेल पहुंच गया था, हमारे इतने सारे पैसे लग गए थे। हाँ 20,000 रुपए जमानत के दिए थे और 15,000 का सदमा अलग लगा था। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई क्या हुआ, मेरी शाही पोशाक का कहाँ है? क्या रे मियां शर्म नहीं आती आपको, हमारे घर में इस तरीके से उड़िया नहीं फैला रहे? तमीज से बात करो, ये तो मेरे पास ईद के दूसरे दिन के पहनने के लिए कपड़े नहीं है और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। क्या मतलब दूसरे दिन के? अगर दूसरे दिन के नहीं थे तो किसी आम दिन के तो थे ना, कोई भी पहन लेते। क्यों पहन लेता भाई, मैंने शाही पोशाक सिलवाने के 15,000 रुपए एडवांस दिए हुए, तो दूसरे कपड़े क्यों पहन लेता? 15,000 किसको दिए? किसको दिए भाई, इसको दिए, ये जो बैठा हुआ है। लड्डू ये मैं क्या सुन रही हूँ? मम्मी जी वो पैसे 15,000 रुपए मैंने लिए तो थे, मगर वो पैसे मैंने अपने लिए लिए थे, शाही दर्जी यानी चाचू के लिए लिए थे। अरे भाई तो वो शाही दर्जी है कहाँ? वो उन्हें तो पुलिस पकड़ के ले गई। हाँ क्या शाही दर्जी को पुलिस ने पकड़ लिया? आप लोगों ने उसे छुड़वाया नहीं? हम कोई मुगले आजम थोड़ी है जो हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और पुलिस वाले हमें देखते बोलेंगे जाओ। हाँ और वैसे भी प्यारे मियां पुलिस के हाथों चढ़ने के बाद ना बंदा मुगले आजम के बजाय सिर्फ एक शुगले आजम बन के रह जाता है। इसका मतलब है मेरे पैसे मेरी शाही पोशाक बिल्कुल सब डूब गए, अब आपकी आगे की जिंदगी इसी तरीके से गुजरने वाली है इस तंदूरी पोशाक में। हाँ ये मेरे साथ ठीक भी हुआ, मैं देख लूंगा एक एक को, तुम लोगों ने मेरी कम उम्र का फायदा उठाते हुए मुझे बेवकूफ बनाया। अरे प्यारे मियाँ यहीं रोको इस बात को, आपकी उम्र कम नहीं है, उम्र कम रह गई है। बस कर दो बेगम। बेगम बेगम होश में तो हो,
मेरा मतलब है तानी बेगम साहिबा, अब भी मैं उम्र में आपसे 8-10 साल छोटा ही होऊंगा। मुझे लगता है कि कपड़ों के साथ साथ ना आपका दिमाग भी उड़ गया है। लड्डू निकालो इनको घर से बाहर। भी देखिए निकालता हूँ। किसे? अरे बाहर निकलो। ऐसे कैसे? मैं बताता हूँ कैसे तंदूरी पोशाक भले ऐसे। अरे चलो ऐसे ऐसे। शर्म नहीं आती लेडीज के घर में आकर नंगे पुंगे मुंह उठाकर? शर्म कहीं के? देख लड्डू, अगर तूने शाम तक हमारे कपड़े नहीं दिए ना तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। कहाँ है वो तेरा शाही दर्जी? यार वो अंदर ही है, तुम लोग के कपड़े सी रहे। तो हमें भी मिलवा दो, हम सबने एडवांस में पेमेंट की हुई है। ऐसे नहीं भाई, वो बहुत गुस्से वाले हैं, वो अकेले में कपड़े सीना पसंद करते। जब तुम लोग के कपड़े सिल जाएंगे ना तो मैं शाम को तुम लोगों से मिलवा दूंगा। बस भाई बस। अम्मा अम्मा, इधर हूँ इधर। हम कहीं से घूम फिर के आ जाते हैं। क्या पागल हो गया है? इतनी दूर से मैं आ रही हूँ, वैसे थकी हुई हूँ और फिर तू घुमाने की बात कर रही है। नहीं नहीं कोई बात नहीं अम्मा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फिर कोई बात नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये तेरे घर के आगे इतना क्यों लगी हुई है? वैसे हम अम्मा आपका इस्तकबाल करने के लिए आए ना। किस बात का इस्तकबाल? मैं क्या यहाँ जलसा करने आई हूँ? अम्मा क्या रहे, आ जाए अम्मा आ जाए। चलो सही है, लेकिन शाम तक मिल जाने चाहिए। तुम तो मैं फिक्र नहीं आओ ना मेरे साथ। मैं तुम लोगों ना शाम को मिल जाएंगे सबको कपड़े, ठीक है? शाम को आके ले जाना। चलो चलो जाओ अभी अभी जाओ। ये कौन सा डिजाइन बना दिया आपने? ये 2019 का डिजाइन है। रहने दे, आप 2018 का डिजाइन बना दे। अब कोई फायदा नहीं है, इसका रंग चढ़ चुका है। अम्मा आ जाओ अम्मा आ जाओ अम्मा आ जाओ। देखे ना गुलाम साहब, मैंने एडवांस बुकिंग करवाई थी, एक तो मेरा नंबर आज के दिन आया और ऊपर से ये मेरी मर्जी का डिजाइन भी नहीं बना रही है। मैं जा रही हूँ। आए खाला आप आ जाए, आपने भी बुकिंग कराई थी ना। अरे बीबी तुम तो पागल हो गई हो है? अब इस उम्र में मैं अपने हाथों में मेहंदी लगाऊंगी? तो आप क्या यहाँ बालों पे मेहंदी लगवाने आई हैं? अरे गुलाम ये क्या माजरा है भाई है? तुम भी जाओ बाद में आना, जाओ 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 जाओ। अरे ये अरे कम्बक निगोर मारिया ईद के दिन भी कमरों में घुसी बैठी रहेंगी है? अरे बुला उसको। अच्छा मैं बुला के लाता हूँ। अरे रुक इधर बैठ जा, आवाज नहीं है। तानी बेगम हनी देखो तो कौन आया है। अस्सलामुअलैकुम दादी, ईद मुबारक। अरे जीते रहो ईद मुबारक। अरे बात सुन, ये किस आश्रय की बात कर दिया था? किसको दिया हुआ इसने शाम तक आसरा है? अम्मा वो पता है क्या, वो जो बाहर खड़े ना आपके इस्तकबाल के लिए लोग, तो उनके बारे में कह रहा है। हाँ दादी, वो आपसे मिले बगैर तो जाने ही नहीं चाहते थे ना, तो बस मैंने बहाना बना दिया। अरे दोनों बेगमात तुम्हारी कहाँ मर गई कम्बख मारिया, बुला। आप रुके मैं बुला के लाता हूँ। यहीं से आवाज दे। ऐसा ना करें दादी, अगर उनको यहाँ से आवाज लगाई ना तो पलट के ऐसी आवाज आएगी हम सुनने काबिल नहीं बचेंगे। तानी बेगम हनी देखो कौन है। अरे एक ही दफा उसको सुला दे तू। दादी हनी भी सॉरी है, मैं उसको उठा के लेकर आता हूँ। तू भी उसको सुला दे ताकि तुम दोनों की जान ही छूट जाए। बुला के लाता हूँ। फिर आ गए बेगम, ये कितनी मजे की चाय बनाई मैंने आपके लिए। मैंने आपसे कब कहा कि मुझे चाय चाहिए? नहीं मैं समझा शायद आपका दिल चाह रहा हो अच्छी चाय पीने का। अच्छा इसे यहाँ रखिए और मतलब की बात बताइए। मतलब की बेगम, खुदा रहा अब बाहर अम्मा से चल के मिल लो, ईद मुबारक कह दो, मेरी इज्जत रख लो बेगम। नहीं नहीं हरगिज़ नहीं, मैं नहीं जाने वाली वहां। अरे
वो तो अपने आप को समझती है कि मैं जेलर हूँ और हम सब कैदी हैं। अच्छा हनी तुम तो चलो, तुम्हारी तो दादी है वो। नहीं 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 मैं नहीं जा रही भाई, वो हर बात में रोक टोक करती है, पापा मुझे तो जाना ही नहीं है बस। चलो ना थोड़ी देर की तो बात अभी चली जाएंगी, वो थोड़ी देर मेरी इज्जत रह जाएगी ना प्लीज। अच्छा अच्छा चले आप, आते हैं हम। अच्छा इसको तो साथ भेज दो ना हनी। अच्छा चलिए चलो। मम्मा अरे जाओ ना, मैं भी आती हूँ। आ जाओ आ जाओ, बोला है मैंने जाके अभी आ रही है बेगम। ठीक किया भाई, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक सबको, ईद मुबारक। मुबारक। दादी आप मुझे ईदी दीजिए ना भाई, मेरी तरफ से तो ईदी ना मेरा बेटा देगा। चल भाई जल्दी निकाल बच्ची को, ईदी दे। पापा पापा ईदी। अरे बेटा अम्मा से क्यों ईदी मांग रही हो, जाओ कमरे में आराम करो। जाओ भाई आराम करो, क्या ये बाहर हलचला करा रही है, जो आराम करे। अरे बात सुनो, तुम लोग के घर में ईद के दिन रिवाज नहीं है कोई मिठाई सा बनाने का? है हाँ है क्यों नहीं है? हाँ है भाई, अभी बना के लाता हूँ। होश के नाखून ले, तू क्यों बनाएगा, बीन के होते हुए बोर्ची खाने में जाके काम करेगा। चल भाई चाली जल्दी जा बोर्ची खाने में, और मीठा बना के लिया बोल के गर्म गर्म छोड़ा देता। दादी वो कल खाना बनाते हुए ना मम्मी जी के हाथों में बर्तन गिर गए थे, तो बहुत दर्द है, वो कुछ बना नहीं सकेंगी। हाँ अच्छा ये मसला है, तो कोई बात नहीं हनी, उठ जाके ना माँ का हाथ बटा और जल्दी से मीठा ले आ, मेरी शुगर बड़ी लो हो रही है। मैं दादी कैसे, क्या मतलब मैं उठ जल्दी, उठ जा जा रही हूँ। तू भी उठ जा, हिल ले जरा, सोफे को भी सांस लेनी होती है। अरे भाई यार ये तो अजीब, यार क्या हो क्या रहा है यार ये तो बताओ। ससुर जी मम्मी जी और हनी दोनों बहुत गुस्से में हैं। अबे यार अम्मा ने तो हद ही कर दी यार, उन्हें नहीं पता कि उनके जाने के बाद ये दोनों हमारा क्या आखिर करेंगी। कीमा बना देंगी हमारा यार, क्या बोल। ये कौन है, ये क्या फिल्म है भाई, चाकू लेके घुस गया घर में। ओ भाई कौन हो और ये चाकू लेके क्या करते फिर रहे हो? अबे गौर से देख, ये चाकू नहीं छुरी है। अबे तो छुरी लेके यो शी क्यों कर रहा हो यार? शाही दर्जी कहाँ है? अरे भाई ये भी तेरे चाचू का डसा हुआ है। तुम हो कौन पहले ये बताओ? मैं इस इलाके में गुब्बारे वाला है। नहीं मैं अच्छा गुस्से में हो? गुस्से में तो मैं हूँ, क्योंकि मैं इस इलाके का गुंडा हूँ। शायद दर्जी को बाहर निकालो, वो मेरे पैसे भी ले गए और मेरे कपड़े भी नहीं दिए। सुजी लगता है चाचू ने बारों बार भी डीले खड़काई हुई है। अब भाई गुंडे साहब बात सुनिए, यहाँ पे शायद दर्जी तो है नहीं। तुम लोग जाओ जाओ जो अच्छा जा सकते हैं। नहीं रुको, तुम लोग मुझसे जो अच्छा झाड़ू लगवा सकते हैं। अच्छा लगा। अब नहीं यार, तुम लोग मुझसे झूठ नहीं बोलो, वरना मैं तुम लोगों को बहु माफ कर देंगे। नहीं मार डालूंगा जान से। सुन भाई बात सुन, लड्डू मैं इस तरह किस्तों में मरना नहीं चाहता यार। अरे गुंडे भाई शाही दर्जी तो यहाँ पर है नहीं, वो मेरे चाचू है ना, तो आप बेफिक्र हो जाए, आज रात सबके कपड़े मिल जाएंगे, आपके भी मिल जाएंगे, रात को आके ले जाइएगा। हाँ ठीक है, मैं रात को आऊंगा, और याद रखना मेरे अगर कपड़े ना मिले तो मैं आता जाता रहूंगा। भाई बात है, ये इस गुंडे की कितनी किस्से थी भाई। खीर कोरमा ओए होए मजा आ गया भैया, मजा आएगा। क्या है
ये शीरखुरमा है या फटे हुए दूध का कोरमा? बस रहने दे अम्मा, आपको तो कोई चीज पसंद ही नहीं आती। गुलाब आप खाइए ना। मैं डालें? जी जी जी। हाँ लो, मुझे पता है कैसा बनाओगा। गुलाम कैसा लगा? है ना बहुत अच्छा बनाया ना। हाँ अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया बेगम। अम्मा यार कितना मजे का है ना। लड्डू तुम भी ये खाओ ना। बताओ दादी को हम दोनों ने कितना अच्छा बनाया ना। हाँ हाँ हाँ, जल्दी लो। वाह वाह वाह, ओ लड्डू ओ लो। हाँ हाँ खाओ खाओ। कैसा है? क्या क्या शीरखुरमा? ये शीरखुरमा है? लड्डू? मुझे तो लगा जन्नत से आई हुई कोई मीठी डिश खा ली मैंने। है ना, बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ मैं। लाए, अब मैं खुद खाती हूँ। लो हनी, तुम भी लो। अच्छा तो है। ये ले, अम्मा को नींद आई थी ना, ले पूरा खाई। तो प्यारे से पी ले पूरा। फ्रिज में रख देते हैं ना, ठंडा करके खाएंगे। एक बात है, इससे तो अच्छा था कि हम लोग खुद ही शीरखुरमा बना लेते। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा, ये था क्या? जहर था, जहर। आओ भैया, आओ इंस्पेक्टर, अपना ही घर समझो इसे। बैठो बैठो बैठो। देखो तुम्हारे कपड़े तो मैंने सी दिए ना। लेकिन भाई वो जाली नोटों वाला मामला? अरे वो मैं असली नोटों से हल कर देता हूँ। वाह भाई, बहुत समझदार लगते हो तुम तो। चाचा है मेरे चाचा। अच्छा तो आप भतीजे हो इनके भाई? बाप को मैं इनका दोस्त हूँ। बहुत अच्छा। नहीं, कोई दोस्त नहीं है। तो क्या बात कर रहा है? नहीं, मजाक कर रहा था। बहुत अच्छा दोस्त है भाई, बचपन का दोस्त। आप बैठे में आया है। अच्छा अच्छा, बचपन के बहुत गहरे दोस्त लगते हैं तुम्हारे। हाँ तो गहरे। आइए लोग। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। नहीं यहाँ पे नहीं खोलना, बाहर जाके। ठीक है, अब तुम जा सकते। अच्छा तो भाई तुम सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। ये जेब में रख ले। जी 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 जी, बिल्कुल रख लेता हूँ। चाचू अब कहाँ चले गए थे? आपको पता है यहाँ पे लोग हमें धमकियाँ दे रहे थे कपड़े ना मिलने की वजह से। हाँ भाई, देख भाई आपने जाना कहीं पे यार। जिनके कपड़े तुम्हारे पास है और पैसे भी ले लिए एडवांस, उनको तो सीके दे दो। ओ अरे भाई, वो मेरा असिस्टेंट तो जेल में रह गया। मैं उसकी जमानत करा के आया। नहीं 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 चाचू, नहीं नहीं नहीं, अब कहीं जाना, बहुत लोगों के कपड़े सीने हैं। मैं बस अभी गया और अभी आया। चाचू जल्दी से आ जाए। उस्ताद कहाँ है मेरे? अरे छोटू तू यहाँ? वो तो तेरी जमानत करवाने के लिए गए थे। क्या जमानत? जमानत मेरी इनके साथ हुई थी और कहा था कि घर पर आके पैसे ले जाएगा। कहाँ गया वो? कहाँ गया? कौन पकड़ा? अरे भाई तुम्हारा चाचू, इस लिफाफे में ये जाली नोट डाल के मुझे पकड़ा गया। लेकिन चाचू तो यहाँ से भाग गए। भाग कैसे सकता है? अपने भतीजे और करीबी दोस्त को बचाने के लिए तो फिर आएगा यहाँ। चलो मेरे साथ। मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशाद। सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद।